हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। उसमें हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आए हैं टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर। अब हम पढ़ने वाले लिनिमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? क्रीम है ना, जेल, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम लोग लिनिमेंट लोशन और उसके बाद हमारा सपोजिटरी पेस्ट्री, ये बचेगा टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है ना। स्टार्ट करें लिनिमेंट। तो लिनिमेंट मेरे हिसाब से, मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज, जिन लोगों के घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, जिन लोगों के हाथ पैरों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, तो लिनिमेंट देखा होगा, एक लोशन उनके घर में कुछ ना कुछ टाइप का आया होगा जिसके नीचे लिनिमेंट लिखा रहता है। और लिनिमेंट एक टाइप का लोशन, मतलब कह लो कि एक लिक्विड है, उसको बस बनाने का एक खास तरीका होता है। लिनिमेंट को थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, वही लिक्विड थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं तो लोशन बन जाता है। खैर, लिनिमेंट पे आते हैं हम लोग, और ध्यान से समझना लिनिमेंट लोशन में अंतर क्या है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, अंतर को समझना, ठीक है। कह रहा है इट इज डोजेस फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ऑब्वियसली बात है, हम लोग टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है, टॉपिकल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो क्या है? एक्सटर्नल यूज के लिए है। किसके लिए है ये? एक्सटर्नल यूज के लिए। एंड अ फैट लिक्विड और जेलेटिनस मास, यह एक एक्सटर्नल यूज का डोजेस फॉर्म होता है। एंड अ फैट लिक्विड, थोड़ा सा फैटी होता है, चिकना, गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है ना, फैट कलर चिकना कहेंगे यहां से हम लोग। या जेलेटिनस मास होता है विच मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, जिसको जब हम लगा देंगे तो बॉडी की हीट से वो क्या होता है, मेल्ट हो जाएगा, पिघलेगा और फिर फैलेगा। लिनिमेंट्स आर सॉल्यूशन और मिक्सचर्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ऑयल, ठीक है, कोई भी चीज बनी है तो उसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर होगा, तो वही लिखा हुआ है लिनिमेंट्स, एक सॉल्यूशन है। मार्क करेंगे बेटा, दिस इज अ सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो सॉल्यूशन से बात दिमाग में आया, अच्छा सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, याद आया, याद आया, गुड। तो यह एक सॉल्यूशन है, क्या होता है सॉल्यूशन, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिला के बना दिया जाता है, ठीक है ना, एक लिक्विड होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, या यूं कह लो कि मिक्सचर है कई सारे सब्सटेंस का तेल के अंदर, ऑयल के अंदर। अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ सोप, या तो तेल के अंदर, या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोप के अंदर, या इमल्सन के अंदर, और मे कंटेन सूटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, और साथ साथ में एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें बड़ी कॉमन है, जैसे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, कुछ चीजें इतनी कॉमन है कि सबके अंदर है, तो ये चीजों को फोकस करते हुए चलना है। अल्कोहल हेल्प्स इन पेनिट्रेशन, बेटा वन मार्क्स क्वेश्चन मार्क कर लेंगे ये। अल्कोहल हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, अंदर घुसाने में, कि वो स्किन के अंदर चला जाए, ठीक है, इनटू द स्किन, एंड आल्सो इंक्रीजेस इट्स काउंटर इरिटेंट एंड रूबेफेशिएंट एक्शन, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं रूबेफेशिएंट, ठीक है ना। रूबेफेशिएंट क्या होता है? जो रेडनेस थोड़ा सा कर देता है, लालपन ले आता है, डायलेशन देता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो रेडनेस से आती है, ठीक है। इन ऑयली लिनिमेंट्स अरेकिस ऑयल, जो एक प्रकार का ऑयल है, इज कॉमनली यूज, तो ये मार्क करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि अरेकिस ऑयल या अरेकिस ऑयल किस प्रकार के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, विच स्प्रेड्स मोर इजिली ऑन द स्किन, ये बहुत इजिली स्किन के ऊपर फैल जाता है। यूज ऑफ सोप में इज एप्लीकेशन, साबुन का जब इस्तेमाल करते हैं, साबुन मतलब जो केमिकल जिससे साबुन बनता है, तो उससे क्या होता है, ये जो स्किन के ऊपर फैलती है ना ये लिनिमेंट, और ज्यादा इजी हो जाता है। दिस प्रिपरेशन दैट मे बी लिक्विड और सेमी लिक्विड, ये लिक्विड और सेमी लिक्विड हो सकता है, हल्का गाढ़ा हो रह सकता है, आर इंटेंडेड फॉर, इनका पर्पस है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, एंड शुड बी सो लेबल्ड, और ऐसा ही उनके ऊपर लेबल भी लगा होता है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्लियर है बातें, ठीक है। दे आर रब्ड, इन्हें रगड़ा जाता है, इस तरीके से रब किया जाता है, ऑन टू द अफेक्टेड एरिया, जहां पेन हो रहा है, सूजन है, दर्द है, तो उसके ऊपर ऐसे रगड़ा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस दे वर वंस कॉल्ड एम्ब्रोकेशंस, मार्क कर लेंगे वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए बेटा। और क्योंकि इसे रगड़ा जाता है, रगड़ फ्रिक्शन किया जाता है, फ्रिक्शन की होता है, इस तरह से रगड़ लगती है, इसी वजह से इसको कभी हम लोग एम्ब्रोकेशन भी कहा करते थे। दे आर अप्लाइड विद फ्रिक्शन, है ना, रगड़ कह लो, फ्रिक्शन कह लो, एंड रबिंग ऑफ द स्किन, द ऑयल और सोप बेस प्रोवाइडिंग फॉर ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड मसाज। अब वो चिकना चिकना होते हैं तो बहुत इजीली उससे हम लोग उसे ऐसे रगड़ रगड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली सुटेबल फॉर एक्सटर्नल यूज, ये जो है केवल और केवल एक्सटर्नल यूज के लिए ही सुटेबल है, गलती से पीना नहीं है। इमल्सन लिनिमेंट और डेट कंटेन इनसॉल्युबल मैटर मस्ट बी शेकन थोरोली बिफोर यूज,
इमल्सन लिनिमेंट हो, अगर लिनिमेंट हमारा इमल्सन है, या कुछ ऐसा है जिसके अंदर इनसॉल्युबल मैटर पड़ा हुआ है ना सस्पेंशन टाइप का, तो हमें उसे थॉरोली अच्छे से शेकन हिला लेना है। शेकन का मतलब हिलाना। लिनिमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द स्किन दैट इज ब्रूज्ड ब्रोकन, जो घर्षण लगा हुआ है, खुरच गई है या टूट गई है, किसी वजह से कटफट गई है, तो उस जगह पे हमको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। मार्क करेंगे अगेन फॉर वन मार्क्स क्वेश्चन, या जो बेटा वन मार्क्स क्वेश्चन है ये तुम्हारा वावा वाव समय में आ सकता है, ठीक है ना, एग्जामिनर आके तुमसे पूछ सकता है। बिकॉज एक्सेसिव इरिटेशन माइट ऑकर, अब जो जगह टूटी हुई है, स्किन फटी हुई है, वहां पर लगा दोगे तो बहुत ज्यादा जलन हो सकती है। कंटेनर कैसे होते हैं, कलर फ्लूटेड बोटल, बोटल कुछ इस प्रकार की होती है और कलर्ड रहती है, हल्की सी ग्रीन कलर की है ना, रेड कलर की, तो कलर फ्लूटेड बोटल इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्रिपरेशन मीन फॉर इंटरनल यूज। बोटल कुछ इस तरह प्रकार की बनाई जाती है, कलर्ड बोटल, जिससे कि इनकी पहचान हो सके दूसरी बोटल से, जिनका की इस्तेमाल हम लोग, यानी दूसरी मान लो दो दवाइयां एक साथ रखी हैं, दोनों ही सेम होंगी, तो कहीं धोखा ना हो जाए, गलती से पी ना ले कोई इसे, जब शेप साइज कलर अलग रहेगा तो जो पीने वाली दवाइयां हैं अलग से पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये दवा पीनी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कुछ ये बोतल है, सेलॉन्स बोतल कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है, सेलॉन्स लिनिमेंट का फेमस है। रुमालिया, ये बड़ा फेमस देखा होगा तुम लोगों ने, तो आप लोग घरों में, जिन लोगों के घरों में बड़े बुजुर्ग हैं और दर्द वगैरह रहता है, तो कभी ना कभी ये आया होगा लिनिमेंट, रुमालिया नीचे लिखा हुआ लिनिमेंट, ठीक है। लेबलिंग, लेबल हमेशा क्या रहेगा, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से हिला लें, एंड विद अ वार्निंग ऑफ नॉट टू बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, और एक वार्निंग रहती है कि अगर स्किन आपकी छिल गई है, टूट गई है, कट गई है, तो इस्तेमाल ना करें, और ओपन वाउंड या किसी जख्म पर, जो जख्म खुला हुआ है उसके ऊपर इस्तेमाल ना करें। स्टोरेज, एयरटाइट कंटेनर्स इन अ कूल प्लेस, ये तो कॉमन सी बात है, सबको क्या है, एयरटाइट कंटेनर, हवा नहीं जानी चाहिए अंदर, क्योंकि हवा जाने की वजह से कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हवा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ठंडी जगहों पर रखना है, बहुत ज्यादा हीट नहीं रखना, क्योंकि हीट से तो पिघलता ही है, ठीक है ना, क्लियर है बातें। अब एडवांटेज क्या है इसके, मेडिसिनल सब्सटेंस ऑफ द लिनिमेंट इज वेल एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन, लिनिमेंट की हेल्प से हम इसके अंदर की जो दवाइयां होती हैं वो स्किन के थ्रू अच्छे से एब्जॉर्ब करा सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी हाई होती है, एब्जॉर्ब, बायो अवेलेबिलिटी पता है ना क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी किसी दवा का हमारी बॉडी के अंदर मौजूदगी कितनी है, ज्यादा होगी तो ज्यादा असर करेगी, कम होगी तो कम असर करेगी, तो ये लिनिमेंट की हेल्प से ज्यादा मात्रा में हम दवाई को अपने स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। एब्जॉर्ब होती है क्विकली स्किन के द्वारा, चीप है, सस्ती है, इजी टू मैन्युफैक्चर, बनाना भी आसान है। कंपेयर विद ऑइंटमेंट, लिनिमेंट बेटर अप्लाइड टू द स्किन, अगर ऑइंटमेंट से कंपेयर किया जाए तो लिनिमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। लीविंग फ्यूअर ट्रेसेस ऑफ स्किन ऑन स्किन एंड क्लोथिंग, जो ग्रीसीपन होता है इसके अंदर बहुत कम होता है, बहुत कम ही स्किन पर रह जाता है, कपड़े वगैरह खराब नहीं होते हैं, ठीक है, पेशेंट के एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट, काफी ग्रीसी होता है, ग्रीस जैसा रहता है, चिकना चिकना रह जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, स्टेबिलिटी लो होती है, इनकन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली बात है, लिक्विड है, शीशे की बोतल होती है कांच की, तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आता है। यूज की बात करें तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, रूबी फेशियंट यहां पर वर्ड है, ऊपर बताया था मैंने, एंटी प्रूराइटिक यूज टू रिलीविंग इचिंग, प्रूराइटिक, प्रूराइटिक मतलब खुजली और एंटी मतलब खुजली को रोकने वाला, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। एस्ट्रिंजेंट सबको पता है, अब ये तो causes biological tissue to contract, जो tissues होते हैं वो contract होते हैं, जिससे कि हमारी skin क्या होती है, खिंचाव आता है तो चमक आती है। emollient की तरह product that soften skin or treat dry skin, ठीक है, emollient की तरह इस्तेमाल हो सकता है। analgesic दर्द निवारक की तरह इस्तेमाल हो सकता है। rubefacient, बेटा ये सारे टर्म देख लो, बार बार आएंगे, इनको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। rubefacient का मतलब क्या होता है, a medicine for external application that produces redness of skin, अच्छा स्किन को लाल कर देता है, फिर कुछ लोग लगा लेते हैं अरे स्किन लाल हो गई, फायदा है वो क्या फायदा है, स्किन लाल क्यों होगी, बाय कॉजिंग डायलेशन ऑफ द कैपिलरीज, जो हमारे यहाँ स्किन के पास कैपिलरीज है ना उनको ये फैला देता है, फैलने की वजह से क्या होता है, कोई चीज ऐसे ना पॉलिथीन फैल गई है तो पतला हो गया तो ब्लड उसके अंदर साफ साफ झलकता है, ब्लड बाहर नहीं आता है लेकिन चमकता है, ठीक है, कैपिलरी डायलेट हो गई है। एंड एन इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, अब ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, वहां पे बढ़ जाता है क्योंकि जब कैपिलरी फैल गई है तो ज्यादा ज्यादा मात्रा में ब्लड आता है, ठीक है, दैट कॉजेस रेडनेस, इसको रूबर कहा जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, लालपन आता है।
काउंटर इरिटेंट, इरिटेंट को रोकने वाला मेडिसिन अप्लाइड लोकली टू प्रोड्यूस सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डीपर इन्फ्लेमेशन, काउंटर इरिटेंट। अगर कुछ बहुत ज्यादा इरिटेशन है हमारे हाथ के अंदर में, जब हम उसको लगा देते हैं तो ये ऊपर इरिटेशन क्रिएट कर देता है, नीचे वाला इरिटेशन खत्म हो जाता है। तो ये मेडिसिन अप्लाइड लोकली, जिसको हम लोकली लगाते हैं, प्रोड्यूस सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन, ऊपर की तरफ इन्फ्लेमेशन को ले आता है और रिड्यूस, कम कर देता है, जो अंदर गहराई में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन ऊपर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे इसके यूज है बेटा, यार मार्क कर लेंगे ये सब क्या है। वन मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि रूबिफेशिएंट का मेडिसिन क्या है, इमोलिएंट, एंटीप्रूराइटिक, ये सब क्या है, तुम्हारा वन मार्क्स क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिनिमेंट क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, किस आधार पे, कि वो काम क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक है, इरिटेंट्स, इरिटेंट को खत्म कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि एस्ट्रिंजेंट है कि फंगिसाइडल है कि फंगस को मारने वाला है कि एस्ट्रिंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो उसका इफेक्ट है उसके आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ये तो हम करते ही चले आ रहे हैं, पीछे भी किया हमने कि उसके अंदर हम डिस्पर्जन मीडियम, अच्छा हमने पीछे बेस, बेस के आधार पर भी करते हैं। यहां पर हम लोग देखें, एक होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। किस मीडियम के अंदर हम लोग सॉल्यूट्स को डाल करके लिनिमेंट तैयार कर रहे हैं, तो फैटी लिनिमेंट। अगर मेरा डिस्पर्जन मीडियम कैसा है, फैटी है। डिस्पर्जन एनवायरमेंट इंक्लूड फैटी ऑयल्स और फैट लाइक सब्सटेंस जैसे कि लेनोलिन। अगर हम लोग डिस्पर्जन मीडियम में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फैटी थिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, फैटी लिनिमेंट कहलाएगा। डिस्पर्जन मीडियम क्लियर है ना? अरे हाँ बोल दो, हाँ कुछ लोगों को सुनाई देगी, हाँ डिस्पर्जन मीडियम क्लियर है, पढ़ा चुका हूं बेटा, देखा, इसलिए कहते हैं सीक्वेंस से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि बस आ गए और पढ़ रहे हो करके, सीक्वेंस से पढ़ना बहुत जरूरी है। जो टर्म्स बीच में आते हैं वो बार बार रिपीट करने फिर दिक्कत आती है। फिर बताते जा रहा हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिनको क्लियर नहीं है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, जैसे मान लो ये पानी है, इसके अंदर हम कोई चीज डाल रहे हैं, तो ये पानी क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम, और जो चीज डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्ज्ड फेज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सनफ्लावर, लिंसीड या कैस्टर ऑयल। एग्जांपल आ सकता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन से इसके अंदर फैट होते हैं। मेडिकल सब्सटेंसेस कैन इंक्लूड बोथ लिक्विड, क्लोरोफॉर्म, टर्पेंटाइन, ईथर, टार एंड पाउडर। जो उसके अंदर हम डिस्पर्स फेस डालेंगे मेडिकल सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, पाउडर भी हो सकता है, जैसे कि कैम्फर, मैंथोल, नोवाकेन, डर्माटोल एटसेट्रा। क्लियर है? अब अल्कोहल लिनिमेंट, जिसके अंदर अल्कोहल होगा डिस्पर्जन मीडियम। सिंपल लिनिमेंट, अल्कोहल कंटेन अल्कोहल एंड लिक्वर, यूजली ब्रांडी पेपर, एक प्रकार का लिक्वर, एक तरह का अल्कोहल है ब्रांडी पेपर, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल होता है, एज वेल एज वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसा लिनिमेंट जिसके अंदर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, हमारा अल्कोहल होगा, उसको अल्कोहल लिनिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है सोप और अल्कोहल लिनिमेंट, साबुन और अल्कोहल को मिला करके अगर हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बना रहे हैं तो हमारा सोप अल्कोहल लिनिमेंट कहलाता है। कंटेंट एज डिस्पर्जन एनवायरमेंट अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोप, यानी कि अल्कोहल के अंदर ऐसे इमेजिन कर लो कि हमने अल्कोहल लिया, दारू ली, उसके अंदर साबुन को काट काट के घोल दो, अब जो मीडियम तैयार हो गया है डेट इज अल्कोहलिक सोप, ठीक है ना, सोप अल्कोहलिक लिनिमेंट या सोप अल्कोहलिक सोल्यूशन सॉल्वेंट हमारा तैयार हो गया है, जिसके अंदर अब हम मेडिसिन डालेंगे। ठीक है, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या रहे सर साबुन डाल देंगे क्या, तो वो तरीके होते हैं समझने के लिए बता रहा हूं मैं क्या है। हाँ साबुन ही होता है, उसको सोप बोला जाता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल के अंदर सोप डाल करके हमारा डिस्पर्जन मीडियम तैयार होता है, ठीक है। अब वो कौन सा सोप होता है, किस प्रकार का होता है, वो एक बात अलग हो गई। दे मे बी लिक्विड इफ दे कंटेन पोटेशियम सोप, ठीक है ना। सोप साबुन, अब बात समझ में आई, जरूरी नहीं कि ये साबुन ये वाला साबुन हो, उसके अंदर क्या है, अगर पोटेशियम सोप, लिक्विड भी हो सकता है, अगर पोटेशियम सोप है जेली भी हो सकता है, इफ दे कंटेन सोडियम सोप जेली फॉर्म में होते हैं, पोटेशियम सोप लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो अल्कोहल के अंदर जरूरी नहीं है कि, मैंने समझाने के लिए बताया कि साबुन, साबुन का मतलब ये लिक्विड या जेल फॉर्म में होगा, मिला देंगे मिल जाएगा और हमारा डिस्पर्जन मीडियम तैयार। व्हेन रबिंग द स्किन कॉज इमल्सिफिकेशन ऑफ सीबम, जब हम इसको रगड़ते हैं तो स्किन के अंदर सीबम, जो हमारा सीबम समझते हैं ना, जो एक तरह का ग्लैंड से जो विस्कस मटेरियल बाहर आ रहा है, ठीक है, उसके साथ मिल करके इमल्सिफाई हो जाता है एंड रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन, और बहुत जल्दी क्या होता है, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है अलोंग विद ड्रग्स।
ड्रग्स के साथ, ये जो हमारा अल्कोहल सोप अल्कोहल लिनिमेंट था, हमारा बेस था एक तरह का, ठीक है, वो बहुत जल्दी ड्रग के साथ क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो इमल्सिफाई हो जाता है सीबम के साथ, ठीक है ना. सीबम पहले ही बताया मैंने. जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एक खास तरह का लिक्विड सीक्रेट करती हैं जो हमारी स्किन पे पाया जाता है. बहुत हम पूछते हैं चिकना चिकना जैसा आता है, ऑयल कह देते हैं हम लोग, ठीक है ना, डेट इज अ सीबम. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, हमारा डिस्पर्स, वो डिस्पर्स मीडियम हो गया, ये डिस्पर्स सिस्टम हो गया, ठीक है ना. होमोजीनियस, वो मीडियम हो गया. होमोजीनियस मतलब जब हमने डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दिया है, तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर कोई चीज मिली है कि नहीं मिली, वो आर पार एक एक समान दिखाई दे रहा है, डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस. सॉल्वेंट्स एंड एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, ये एग्जांपल है. देन अ हेटेरोजीनियस सस्पेंशन लिनिमेंट, अब सस्पेंशन से बात समझ में आ रही होगी, यानी कि हमें डिस्पर्जन मीडियम अलग दिखाई दे रहा है और डिस्पर्स फेस अलग समझ में आ रहा है. इमल्सन लिनिमेंट एंड कंबाइंड, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है. तो डिस्पर्स सिस्टम होमोजीनियस, पूरा एक समान हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज मिली है इसके अंदर नहीं मिली है, सॉल्वेंट अलग है या सॉल्यूट अलग है, सब कुछ समझ में नहीं आता है. देन हेटेरोजीनियस होता है जिसमें चीजें अलग अलग दिखाई देती है हमको. बात समझ में आ रही है. अब बात करें प्रिपरेशन की. प्रिपरेशन में क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. द व्हीकल, व्हीकल मतलब जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूट डाल करके इसको बनाएंगे, शुड बी सिलेक्टेड फॉर अ टाइप ऑफ एक्शन डिजायर्ड. हमें कुछ ऐसा व्हीकल सिलेक्ट करना है कि हम क्या चाहते हैं. हम रूबीफिसिएट एक्शन चाहते हैं, हम काउटर इरिटेंट एक्शन चाहते हैं, हम मसाज एक्शन चाहते हैं, हम कौन सा एक्शन चाहते हैं, उसी के हिसाब से हम यहां पर अपना व्हीकल को, यानी कि अपना डिस्पर्जन मीडियम को डिसाइड करेंगे, ठीक है. एंड ऑल्सो ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ डिजायर्ड कॉम्पोनेंट इन द वेरियस सॉल्वेंट, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि जो दवाई हम उसके अंदर खोलना चाहते हैं क्या वो डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है. तो दोनों चीजों को देखते हुए हम अपना व्हीकल डिसाइड करते हैं. प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज सॉल्यूशन, इमल्सन और सस्पेंशन, उसके जो तरीके हैं प्रिपरेशन के वही यहां लिख दोगे, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको यहां बनाते हैं. अब कुछ यहां कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. बात समझ में आ गई. बनाने का तरीका सेम है, जैसे हमने कोई सोल्यूशन बनाया है, इमल्सन बनाया है या सस्पेंशन बनाया है, इसी तरीके से इसको बनाते हैं. अब व्हाइट लिनिमेंट की बात कर लें, कौन कौन से इसके अंदर हमारे पास मटेरियल है. ऑयलिक एसिड, टर्पेंटाइन ऑयल, अमोनिया सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड और प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है. ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, 85 ml, 250 ml, 45 ml, 12.5 और 625 ml. तो ये क्या है, ऑयलिक एसिड, देन टर्पेंटाइन ऑयल, ये करेक्टिव, और यूज क्या है इसका, काउंटर इरिटेंट. खैर ये सब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, इसका केवल एक फॉर्मूला तुम याद कर लोगे, बाद बाकी चाहो तो लिख सकते हो. टर्पेंटाइन ऑयल का काम काउंटर इरिटेंट है, अमोनियम सॉल्यूशन प्रोवाइड अल्कलिन मीडियम, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, प्यूरिफाइड वाटर क्या है, प्राइमरी सॉल्वेंट जिसके अंदर घोल करके हम लोग बना रहे हैं. तो खैर इतना पार्ट चाहो तो काट के हटा सकते हो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके फंक्शन चाहो तो याद कर सकते हो. अब प्रोसीजर की बात कर लेंगे. मिक्स द ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड है, इसको मिक्स करेंगे विद टर्पेंटाइन ऑयल. तो पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है. उसके बाद डायल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन विद 45 ml ऑफ वाटर, जो अमोनिया सॉल्यूशन है उसको पानी के साथ डायल्यूट करेंगे, प्रीवियसली वार्म, जो पहले से गर्म है पानी. एड टू द ऑयली सोल्यूशन एंड शेक टू फॉर्म इमल्सन, फिर ऑयली सोल्यूशन के साथ मिला करके हिला करके इमल्सन बना लेंगे. डिजोल्व अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड को पानी में मिलाएंगे, एड द इमल्सन, ये जो इमल्सन हमने तैयार किया है इसको एड कर देंगे और हमारे पास ये क्या है, व्हाइट लिनिमेंट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है. तो कोई भी एक या दो याद कर लोगे, ठीक है, इनके फॉर्मूले के साथ कोई भी एक या दो लिनिमेंट याद कर लोगे एग्जाम्पल के तौर पे. कई बार आता है, नहीं भी आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आता है, तो एक या दो लिख लोगे हाँ क्या क्या है इसके अंदर, व्हाइट लिनिमेंट के अंदर क्या तुम्हारा कंटेंट है और कितना कितना एमएल लिया गया है. बात समझ में आ रही है. इसी तरह टर्पेंटाइन लिनिमेंट, वो व्हाइट लिनिमेंट है, टर्पेंटाइन लिनिमेंट है, इसके अंदर सॉफ्ट सोप ले लेंगे 90 ग्राम, कैम्फर लेंगे 50 ग्राम, टर्पेंटाइन ऑयल लेंगे फ्रेशली रेक्टिफाइड, इसको लिखो चाहे मत लिखो लेकिन फ्रेशली रेक्टिफाइड करें, जो तुरंत बनाया गया होगा, ठीक है, जिसे तुरंत ही रेक्टिफाई किया गया होगा, 650 ml, और प्यूरिफाइड वाटर लेंगे अप टू 1000 ml, यानी कि इन सबको मिलाने के बाद मेरा पूरा सोल्यूशन 1000 ml हो जाए. फिर वही तरीका, मिक्स द सॉफ्ट सोप विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, सोप को हम लोग थोड़ा सा प्यूरिफाइड वाटर के साथ लेकर के मिक्स करेंगे. प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ द कैम्फर इन द फ्रेशली रेक्टिफाइड टर्पेंटाइन ऑयल,
इसको और इसको मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ग्रेजुअली एड द कैम्फर सॉल्यूशन टू द सोप मिक्सचर। अब इस सॉल्यूशन को ऊपर इन दोनों से मिलकर के जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, यानी कि इस वाले को इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा, दूसरे वाले सॉल्यूशन को पहले वाले सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। वही कह रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्रमशः, एड द कैम्फर सॉल्यूशन टू सोप मिक्सचर विद ट्रैचुरेशन, हिलाते रहना है, मिलाते रहना है, टिल अ थिक क्रीमी इमल्शन इज फॉर्म, जब तक गाढ़ा गाढ़ा एक क्रीमी इमल्शन ना बन जाए। एड सफिशियंट प्यूरिफाइड वाटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, उसके बाद हमें उतना ही पानी मिलाना है कि हमारा सोल्यूशन, अगर 1000 ml का बना रहे हैं तो 1000 ml का पानी बनकर तैयार हो जाए, मतलब सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाए। मिक्स थोरोली, अच्छे से मिक्स करेंगे, ट्रांसफर द प्रिपरेशन टू बॉटल, लेबल एंड डिस्पेंस, उसको बॉटल में डालेंगे, लेबल करेंगे और डिस्पेंस कर देंगे, दे देंगे लगाने के लिए। ठीक है, तो कोई भी दो लिनिमेंट तुम लोग याद कर लोगे जो तुमको पसंद आए। देन कैम्फर लिनिमेंट, इसके अंदर कैम्फर है, कॉटन सीड है, और 1000 कॉटन सीड ऑयल टू मेक 1000 ग्राम, ठीक है ना। नाउ प्रिपरेशन, प्लेस द कॉटन सीड ऑयल इनटू सुटेबल ड्राई फ्लास्क और बोतल, एक बोतल में हम लोग कॉटन सीड ऑयल ले लेंगे, हीट ऑन अ स्टीम बाथ पे, डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, खोलते हुए पानी के अंदर रख देंगे उसको तो हीट हो जाएगा वो। एड कैम्फर एंड स्टॉपर द कंटेनर सिक्योरली, उसके अंदर हम लोग कैम्फर को डाल देंगे उस बोतल के अंदर, मतलब समझो बात को, ये हमारा पास पानी है, इसके अंदर हीट हो रहा है ये, ठीक है, और यहां पर एक बोतल है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, इसके अंदर हमने कॉटन सीड ऑयल डाल दिया है, जैसे कॉटन सीड ऑयल, ये हीट हो रहा है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कैम्फर ऐड करेंगे, क्या ऐड कर देंगे, कैम्फर ऐड कर देंगे और इस टॉपर द कंटेनर, और फिर इसको हम लोग यहां पर बंद कर देंगे, स्टॉपर द कंटेनर सिक्योरली, एजिटेट टू डिजॉल्व द कैम्फर विदाउट फर्दर हीटिंग, फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि उसका अच्छे से मिक्स हो जाए, हीट नहीं करेंगे आगे। यूज क्या है, ये जो हमारा कैम्फर एलिमेंट है इसका यूज क्या है, काउंटर इरिटेंट की तरह, फॉर इन्फ्लेम्ड जॉइंट, इन्फ्लेम्ड जॉइंट, ऐसे जॉइंट जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रखा है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन समझते ना, सूजन आ रखी है, दर्द हो रहा है, स्प्रेन्स, कहीं मोच आ गया है, रूमेटिज्म, रूमेटाइज आर्थराइटिस वगैरह जो होता है, ठीक है, एंड इन अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सच एज कोल्ड इन द थ्रोट, गले में दर्द वगैरह है तो ऊपर से लगा लेंगे, चेस्ट में दर्द वगैरह तो लगा लेंगे, इन इन्फेंट्स, बच्चों में, एंड इन चिल्ड्रन, ठीक है ना, इसको इस केस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमार्क क्या है, द लिनिमेंट शुड नेवर बी प्रिपेयर्ड इन एन ओपन डिश, कभी हम खुले बर्तन में से तैयार नहीं करेंगे, एज मच ऑफ द कैम्फर विल वोलेटिलाइज, अदरवाइज क्या होगा, जो कैम्फर हमने इसके अंदर डाला है वो सारा उड़ जाएगा, और हमारे फिर कैम्फर का तो मेन काम होता है ना, बच्चों में कैम्फर एम्फर होता है, जो कैम्फर को क्या कहते हैं हिंदी में, कैम्फर को क्या कहते हैं हिंदी में, फटाफट टाइप करो, ठीक है ना, तो जिससे कि कैम्फर हमारा उसके अंदर बना रहे और उड़े नहीं, इसीलिए हमें कभी भी खुले बर्तन में हम लोग इसको तैयार नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे आते हैं, कैम्फर एंड सोप लिनिमेंट, बेटा बात समझ में आ रही ना, सिंपल सिंपल है, अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, कैम्फर, रोजमेरी ऑयल, अल्कोहल, प्यूरिफाइड वाटर। इसके कई बार यही पूछ लेते हैं इसका दूसरे नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है कैम्फर एंड सोप लिनिमेंट ऑयल का, नेशनल फॉर्मुलरी के अकॉर्डिंग है लिनिमेंटम कैम्फोरे एट सैपोनिस, ठीक है ना, सोप लिनिमेंट भी कहते हैं, लिक्विड ओपोलडोक एंड कैम्फोरेटेड टिंचर ऑफ सोप भी कहते हैं, तो इसके कई सारे नाम है जो तुम लोग याद कर सकते हो। उसमें फॉर्मूला क्या है, कैम्फर है, रोजमरी ऑयल है, अल्कोहल है, प्यूरिफाइड वाटर है, फिर ये प्रिपरेशन का तरीका है, डिजोल्व कैम्फर एंड रोजमरी ऑयल इन अल्कोहल, तो देख लेंगे यहां से कैम्फर रोजमरी ऑयल को इन दोनों को लेकर के अल्कोहल में मिला देंगे, ठीक है। एड द सोप, एड द कहा है हम लोग, एड द सोप एंड सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, कैम्फर को डालना है किसमें, साबुन में, और फिर थोड़ा सा प्यूरिफाइड वाटर डाल देंगे इसके अंदर हम लोग, टू मेजर 1000 ml, कि वो 1000 ml हो जाए। एजिटेट, एजिटेट मतलब तेजी से हिलाना, टू डिजॉल्व द सोप, जिससे कि साबुन घुल जाए, सेट असाइड इन अ कूल प्लेस फॉर 24 आवर, फिर उसके बाद हम लोग 24 आवर के लिए उसे एक जगह रख देंगे, छोड़ देंगे, और फिर फिल्टर कर लेंगे, ठीक है, और फिल्टर करके हमारा लिनिमेंट तैयार हो जाएगा। यूज क्या है, लोकल इरिटेंट, माइल्ड रूबिफेशिएंट, वीक लोकल एनेस्थीसिया, हल्का सा एनेस्थीसिया इफेक्ट भी डालता है, फॉर स्प्रेन, ब्रूसेस एंड रूमेटिज्म, हल्का सा एनेस्थीसिया इफेक्ट डालेगा तो दर्द में क्या होगा, दर्द हमको फील नहीं होता है, तो आराम पड़ता है थोड़ा सा।
इट ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ अदर लिनिमेंट, कुछ और जो लिनिमेंट्स हैं उनके लिए भी बेस की तरह काम करता है ये। रिमार्क क्या है, द ऑफिशियल हार्ड सोप शुड बी यूज, जो ऑफिशियल हार्ड सोप है, हार्ड सोप जो ऑफिशियली दिया बोला गया है वो इस्तेमाल होना चाहिए। सोप मेड फ्रॉम एनिमल ऑयल विल कॉज जेलेटिनाइजेशन, अगर एनिमल ऑयल से कोई सोप बना हुआ है तो जेलेटिनाइज कर सकता है। इफ सोप हैविंग फ्रॉम बार सोप, अगर हम बार सोप इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राई थोरोली, तो उसको हम अच्छे से पहले सुखा लें एंड देन रन थ्रू द मील और ग्रेटर, और उसके बाद फिर ग्रेटर मतलब उसको पीसना है ना, काटना है जैसे कि उसमें घोल सके, तब फिर हम उसे काट काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्लोरोफॉर्म लिनिमेंट। बेटा ये बहुत सब याद करने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं, मेरे को मिल गए, इंपॉर्टेंट है सारे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में आ जाते हैं, तो काफी कॉमन है ये, तो मैंने यहां पर डाल दिए। इसका दूसरा नाम क्या है, लिनिमेंटम क्लोरोफॉर्माई, फॉर्मुला क्लोरोफॉर्म कैम्फर एंड सोप लिनिमेंट, सोप लिनिमेंट जो ऊपर था, टू मेक 1000 ml, ठीक है। प्रिपरेशन मिक्स द इंग्रीडियंट बाय एजिटेशन, मिलाते रहो और हिलाते रहो, ठीक है, यूजेस मिलाते रहो हिलाते रहो, है ना, राइमिंग हो गया। स्किन के ऊपर लगाएंगे एज स्टिमुलेंट एंड रूबिफेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ काउंटर इरिटेशन, यानी कि काउंटर इरिटेशन के लिए हम स्किन के ऊपर लगाएंगे। एंड इन ट्रीटमेंट एंड रिलीफ ऑफ माइल्जियास, न्यूरोल्जियास, एक तरह के पेन है हमारे पास, ठीक है। एंड सर्टन फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, वही मांसपेशियों के दर्द के लिए एक तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बातें। फिर एक आता है हमारे पास कंपाउंड लिनिमेंट, ये समझे थोड़ा सा, कंपाउंड लिनिमेंट नहीं, कंपाउंड कैलामाइन लिनिमेंट, कंपाउंड कैलामाइन लिनिमेंट। यूज क्या है, सूदिंग एप्लीकेशन, यूज टू ट्रीट द डिस्कम्फर्ट ऑफ डर्माटाइटिस एंड एक्जिमा, डर्माटाइटिस एंड एक्जिमा जो स्किन की कंडीशन होती है खुजली वाली, उससे हमें राहत देती है। इसका अपीयरेंस कैसा दिखता है, येलो टाइप का सस्पेंशन जैसा होता है ये। सिनोनिम क्या है इसका, दूसरे नाम क्या है, कंपाउंड कैलामाइन लिनिमेंट और एप्लीकेटिव कैलामाइन कंपोजिटा, ठीक है ना, लैटिन वाला जो वर्ड निकल के आता है इसके अंदर से, जो वहां के टर्मोलॉजी है उसके हिसाब से ये नाम है। देन एफिकेशेंट ऑयल, बेटा एफिकेशेंट ऑयल हर वो तेल जो किसमें इस्तेमाल होगा, रूमेटिज्म में इस्तेमाल होगा, बैक पेन में इस्तेमाल होगा, दर्द में इस्तेमाल होगा, मस्कुलर पेन्स में, कमर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है ड्यू टू ओवरवर्क, सर दर्द में गर्दन अकड़ गई है उसमें, क्रैम्प्स आ गए हैं, गैस वाला पेन है, इंसेक्ट ने काट लिया है, स्प्रेन है, स्किन इरिटेशन है, इन सब पे हम लोग एक खास तरह के तेल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उस तेल का एक कॉमन नाम पड़ जाता है क्या, एफिकेशेंट ऑयल, ठीक है। इसी को हम लोग मिथाइल सैलिसाइलेट कैम्फर प्लस मिथेनॉल भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि सिनोनिम क्या है, मिथाइल सैलिसाइलेट कैम्फर है ये, ठीक है, मिथाइल सैलिसाइलेट कैम्फर, इसके अंदर मेंथॉल भी पड़ा हुआ होता है, तो ये बेटा इसका सिनोनिम, ये थोड़ा सा एफिकेशेंट ऑयल इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेंगे, पूछा सकता है कि क्या होता है एफिकेशेंट ऑयल, ठीक है। तो अपीयरेंस क्या है, ग्रीन और क्लियर लिक्विड होता है ये, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में क्वेश्चन कहां से आ रहा है, वन मार्क्स का, टू मार्क्स का, थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है कि छोटी मोटी चीजें भी दाएं बाएं से कोई चीज छूटे नहीं। एक नजर पक्का डालेंगे आप लोग इसको, दो चार और पक्का पढ़ेंगे, ठीक है ना, जहां जिन बच्चों को लगता है कि हमारे स्टेट में क्वेश्चंस थोड़े से अजीबोगरीब आते हैं तो वो लोग पक्का पढ़ के जाएं। क्लियर है बातें। और ये अपना लेक्चर लिनिमेंट्स वाला फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, तुम सबको पता है बेटा, पीडीएफ का लिंक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, सभी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है, मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती कॉल करो, ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से लाइव क्लास वगैरह ले सकते हो। और सबसे जरूरी चीज बेटा, रिवीजन करना है, पढ़ाई तुमको करनी है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पढ़ना तुमको है, आखिरकार लड़ाई तुम्हारी है, ठीक है। तो पढ़ाई तुमको करनी है, रिवीजन तुमको करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम बैठोगे, लिखोगे तुम, बात समझ में आ गई है, ओके। तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ऑल द बेस्ट।